ओम शांति। आज 19 तारीख सतगुरुवार की बाबा की साकार मुरली हम सुनेंगे। आज बाबा ने कहा ये सारी दुनिया बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन गई। देख रहे हैं ना कैसे हॉस्पिटल बन गई। तो बाबा रूहानी सर्जन है, तो बाबा आया है सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए। और बाबा कौन सी दवाई देते, जैसे अमृत धारा के लिए कहते हैं ना, कई प्रकार की बीमारियाँ, 63-64 प्रकार की बीमारियाँ ख़त्म होती। बाबा सब प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने की एक ही दवाई हम बच्चों को देते, वो है मन मना भव। ये है सबसे बड़ा इंजेक्शन। तो बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी, विघ्न आएंगी, हलचल की कई बातें होंगी, लेकिन कभी भी मुरझाहट ना हो, दुख ना हो, उसके लिए कौन सी बात स्मृति में रखो। अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में हम पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राज योग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में रहते हैं ना, पर बाबा कौन सा राजस्थान बना रहे, रूहानी राजस्थान। ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है, क्योंकि बाबा के पुराने बच्चे तो समझ गए ना कि वो हमारा माता पिता गुरु सखा सर्जन सब कुछ है। नयों के लिए ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। सारी दुनिया बेसमझ बन गई, बाबा समझदार बनाते। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से क्या बनते, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा वो है ना, समझ है ना, बैरिस्ट्री की नॉलेज हो, इंजीनियरिंग की नॉलेज हो, शरीर को स्वस्थ रखने की डॉक्टरी की नॉलेज हो, तो बच्चे लौकिक पढ़ाई पढ़ के वकील बैरिस्टर डॉक्टर इंजीनियर बनते। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। तो हम समझदार बनकर क्या बनते, विश्व के मालिक बन जाते हैं। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती वो है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वार्थ, लौकिक पढ़ाई शरीर निर्वार्थ अल्पकाल की। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियंस बना देते, किस लिए, थोड़ा सुख पाने के लिए, है ना। क्रिश्चियंस लोग हिंदू धर्म वालों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई लालच देते हैं, तन नौकरी दिला देंगे, मकान बना देंगे, ऐसे ऐसे लालच देकर उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते, तो वो कन्वर्ट हो भी जाते हैं, है ना। जैसे अपने आदिवासी एरिया के अंदर ऐसे बहुत भोले भोले लोग होते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सुख पाने के लिए।
पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए पैसे दे देते हैं, नौकरी दे देते, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े, तो बाबा भी हमको कन्वर्ट करते हैं, है ना, शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में ले आते हैं, देही अभिमान से बाबा हमको देही अभिमानी बनाते, ये कन्वर्ट बाबा करते हैं हम बच्चों को। तो ये मुख्य बात है, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। शरीर की भी बीमारी सबको लगी हुई है और मन भी सभी का बीमार है। मन भी दुखी, अशांत, परेशान, खुशी नहीं, उदासी, निराशा, हताशा, क्या क्या समस्याएं हैं मन की भी और तन की भी। ऐसा कोई नहीं है जो रोगी नहीं बनता हो, ठीक है। अभी जो ये कोरोना का है वो भी एक कॉमन बीमारी जैसी हो गई है, जिसको देखो वही समाचार सुनने को आजकल मिलता है। ये सारी दुनिया क्या बन गई है, बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते, काल के चंबे में आ जाते, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, परंतु सारे विश्व की गुप्त रूप में सेवा करते हो, सारे विश्व की सेवा करते हो, मनसा सेवा करते हो ना सारे विश्व की। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो, ठीक है, देहधारियों से, वस्तुओं से, वैभवों से प्यार नहीं रखो, वहां से तो दुख मिलना है, धोखा मिलना है। मेरे से प्यार रखोगे, मैं तुम्हें सब दुखों से छुड़ाकर सब सुखों की ओर ले जाता हूँ। तो मेरे से प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो, जब तक परमधाम में जाएं, तब तक रहना तो इसी छीछी दुनिया में ही पड़ता है, है ना, लेकिन लगाव नहीं है। तो पहले पहले देहे अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं है। देह अभिमानी तो सब हैं, तुम समझते भी हो कि हम आत्माभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो फिर कैसे रहेंगे। अगर आत्माभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे, परिवर्तन नहीं होगा ना। फिर तो वही स्वभाव, संस्कार, वही दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संस्कार वैसे के वैसे ही रहेंगे ना। तो वही हैं जो पहले थे। तो मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, तभी परिवर्तन होगा, ना कि रचना को जानने की। खाली ज्ञान को समझना ही बड़ी बात नहीं है, गाया भी जाता है रचिता रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचिता का ज्ञान कहेंगे, पहले रचिता का, क्रिएटर का ज्ञान नहीं, पहले रचिता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसलिए वो सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्माभिमानी हूं, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूं। किसको? ब्रह्मा बाबा को भी कहता हूं अपने को आत्मा समझो, तो इनको भी आत्माभिमानी बनाता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं इनको कन्वर्ट करने के लिए, इसको भी मैं कन्वर्ट करता हूं, परिवर्तित करता हूं। क्यों?
क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। ब्रह्मा बाबा भी जब ज्ञान नहीं था तो देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ, अपने को आत्म समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना, ना आत्मा देह से निकल, तो आत्मा और शरीर जड़ और चेतन का ही खेल बना हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर धारण कर पाट बजाती। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। कितनी मेहनत है, ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के पक्का किया और इतना बाबा का पक्का हो गया। इसको भी बाबा के सामने जाते थे तो बस उनकी स्थिति भी ऐसे ही आत्मिक बन जाती थी। बहुत सारी समस्याएं प्रश्न लेके जाते थे लेकिन सब प्रश्नों से पार हो जाते थे। तो ऐसे तुम बच्चे भी ये मेहनत करो। बाबा मिसाल दे रहे हैं, लौकिक स्टूडेंट जो होते, जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, ऐसे बाबा कहते तुम भी एकांत में चले जाओ अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, घूमने जाते वॉकिंग पे जाते तो बस किस कहीं इधर उधर भी नहीं देखते हैं, अंदर अंदर किसको याद करते हैं, क्राइस्ट को याद करते रहते। वो कोई आत्माभिमानी नहीं है, वो किसको याद करते, क्राइस्ट की याद में घर रहते हैं। घर में रहकर भी तो याद कर सकते हैं ना, घर में भी रहो तो भी याद कर सकते, परंतु एकांत में जाते हैं, क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते ही नहीं है। ठीक है, तो बाबा हम बच्चों को, पादरियों से भी है ना, गुण ग्राहक बाबा हम बच्चों को, गुण हरेक से ले लो। जैसे वो एकांत में जाते हैं, कहीं इधर उधर देखते नहीं है, एक क्राइस्ट को याद करते रहते हैं, ऐसे तुम भी एक बाबा को ही याद करते रहो। एकांत में चले जाओ, बाबा कहते छत पे जाओ, बगीचे में जाओ, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, घर में अपना पूजा का स्थान बनाया है, कोठी बनाई है, वहाँ बैठ जाओ, अभ्यास करो आत्मिक स्थिति का। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते, हम क्राइस्ट को याद करते करते क्राइस्ट के पास चले जाएंगे, क्राइस्ट हेविन में बैठा है, हम भी हेविन में चले जाएंगे, ऐसे समझते हैं। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉडफादर के पास गया, ऐसा वो क्रिश्चियन समझते हैं, हम भी याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के ही बच्चे ठहरे, उनमें ज्ञान, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि ये उनकी समझ भी रॉन्ग है। कौन सी, कि क्राइस्ट की आत्मा ऊपर चली गई, वो समझते क्राइस्ट हेवनली गॉडफादर के पास गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पे चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर चढ़ती नहीं है, शरीर को कष्ट होता है ना। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग है। क्यों, बाबा ने क्या समझाया हम बच्चों को, कि वापस कोई भी नहीं जाता है, इसी दुनिया में ही वापस उनको जन्म लेना है हर एक को। क्यों, धर्म पिताओं की आत्माएं भी ऊपर नहीं जाती हैं। क्यों, हर एक को स्थापना कर फिर पालना जरूर करनी होती है। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, फिर पुनः जन्म लेकर उनको अपने धर्म की वृद्धि भी करनी है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है ना, ये है पालना। तो ये सभी धर्म पिताओं ने आकर के क्या किया, इस सृष्टि को थमाया, धर्म स्थापन किए, तो ये सब पुताई किए जैसे कि। और अभी जो स्थिति है
वो मकान इतना पुराना हो गया है, जैसे मकान पुराना होता है कभी छत टपकती है, दीमक लग जाता है, मकान मालिक क्या करता है, पुताई करता है, कुछ मरम्मत कराता है, फिर आखिर ऐसी स्थिति हो जाती है जो पुराने मकान से कुछ और नया मकान बनाना पड़ता है। तो अभी पुताई तो बहुत हो गई, बहुत धर्म पिताएँ आए, लेकिन अब बाबा आकर के फिर से इस दुनिया को नया बनाते हैं। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय और कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बीमार होंगे तो फिर क्या होगा, बीमार व्यक्ति का हमेशा भय लगा रहता है ना, क्या पता अचानक कुछ भी हो जाए। तो बाप आकर के सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे, बाप कहते निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो निरोगी हो ना सके, कोई ना कोई रोग तो बाबा के बच्चों को भी शरीर का हिसाब किताब है तो चुक तो थोड़ा करना पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। जो पवित्र निर्विकारी हैं सत्युग त्रेता में वो रोगी नहीं होते, वो हैं संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय विश्व, खास भारत, आम सारी दुनिया रोगी है, तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो। निरोगी बनते हो कैसे, निरोगी बनते हो कैसे, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। यह है दवाई निरोगी बनने की, याद से तुम निरोगी बन अपने स्वीट होम चले जाएंगे। पवित्र बनते हैं ना, तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सब प्रकार के सुख हैं। ये भी एक यात्रा है, योग की यात्रा, याद की यात्रा, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है ये, समझाना भी बहुत सहज है परंतु समझाए वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। अगर हम खुद ही बाबा को याद नहीं करेंगे तो दूसरों को के ऊपर हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा, खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। इसलिए पहले खुद की धारणा चाहिए, सच्चाई का जौहर चाहिए ना। दूसरों को कहें ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, बाबा को याद करो, और खुद की वो धारणाएं नहीं हो तो सच्चाई तो नहीं हुई। तो सच्चाई का जौहर चाहिए, खुद जिस सब्जेक्ट में अच्छी तरह से खूब बाबा को याद करते होंगे, पवित्रता में, खान पान में अच्छी तरह से पक्के होंगे ना, तो दूसरों को समझाएंगे तो हमारा प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। तो जौहर चाहिए सच्चाई का। हम बाबा को याद इतना करते हैं जो बस, स्त्री पति को कितना याद करती, ये है पतियों का पति, बापों का बाप और गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को याद करते हैं, क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान दे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। गीता में आते ना अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं अपना परिचय स्वयं आकर के देता हूँ, तो औरों को कहाँ से मिल सकता। भारतवासियों को ही नहीं है, विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं सीखने। ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ एक ही बार, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो,
इसको ही रूहानी योग कहा जाता, बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते वो भी बाप तो नहीं है ना, वो तो महातत्व है। ब्रह्म तत्व को याद करते, ब्रह्म तत्व तो भगवान नहीं है, वो तो भगवान के रहने का स्थान है, ये तो महातत्व रहने का स्थान है। तो राइट, एक बाप ही है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता, ये भी भारतवासियों को पता नहीं है। बाप ही सत्य कैसे है, वही सचखंड की स्थापना करते, सचखंड और झूठखंड, तुम अब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं है। आधा कलब बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सत्यों को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा पूरा झूठखंड कलयुग का अंत। अभी तुम कहाँ हो, तुम अभी संगम पर हो, ना इधर हो ना उधर हो। तो क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, इस पार से उस पार जा रहे हो, ना कलयुग में हो ना सतयुग में हो, विषय सागर से क्षीर सागर में जा रहे हो। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, ये है याद की यात्रा। आत्मा ट्रेवल करती, यहां से वहां जाना है, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स मून की तरफ जाने की ट्रेवल करते, अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं, इन चीजों से ही सारा विनाश होना है, बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। साइंस के साधनों से विनाश होगा ना, तुम जानते हो वो चीजें जो साइंस से बनती हैं वो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। सतयुग में भी तो साइंस से हमें सुख मिलेगा ना, ये ड्रामा बना हुआ है, पुष्पक विमान आदि बनेंगे। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं, टीचर फरमान करते हैं, टीचर का फरमान क्या है, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाएंगे। टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वैसे नहीं पढ़ेंगे, धारणा में नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे। बाप भी कहते तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, पर प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं, गरीब भी अपने को भारत का मालिक समझेगा, परंतु स्टेटस में तो अंतर हो जाता है ना। तो सतयुग में दास दासी प्रजा, शाहूकार प्रजा, राजा रानी, स्टेटस में अंतर तो हो ही जाएगा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो कितना है, नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। तो जितना नॉलेज अच्छी तरह से धारण करेंगे उतना उच्च मर्तबा पाएंगे। नॉलेज में भी होशियार चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है, हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी है, तो प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं, दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम फट से कहेंगे कि हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी, ये तो अभी पंचायती राज्य है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले थे, पहले कौन थे, डबल ताजधारी, फिर एक ताज हुआ सतयुग त्रेता में, डबल ताज। कौन सा डबल ताज, लाइट का ताज भी था, पवित्रता का भी, और रतन जड़ी ताज था। फिर एक ताज हुआ, द्वापर में आए, विकारी बने, पतित बने, तो प्योरिटी का ताज खत्म हो गया। और अभी अभी नौ ताज, अभी क्या बन गए, मोहताज।
तो शुरू शुरू में प्रदर्शनी में बाबा ने खास चित्र बनवाया था, है ना, सत्युगी देवी देवताओं को डबल ताज, फिर द्वापर में आए तो रावण वो एक ताज छीन रहा है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर चित्र था वो। फिर कलयुग में आए तो वो एक ताज था वो भी खत्म हो गया, प्रजा का प्रजा पर अच्छे। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजा माथा झुकाते हैं, तो ये भी बाबा ने प्रदर्शनी के में चित्र बनवाया था। सत्यों के देवी देवताएं श्री सीता श्री राम लक्ष्मी नारायण, इनको द्वापर के राजा नमन कर रहे हैं। अभी बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, वो है अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्मों की बात। तो पहली मुख्य बात है पावन बनने की, तब डबल सिरताज बने। बुलाते भी हैं मुझको, इसीलिए किसने बुलाया बाबा को, पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते राजा बनाओ, पावन बनाओ। अभी तुम बच्चों को बेहद का, तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है, सारी पुरानी कलयुगी दुनिया से बुद्धि योग टूटा हुआ, इस दुनिया से चले जाएंगे अब हम अपने घर, फिर हेवन में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जबकि समझते हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाहट दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। थोड़ी सी कोई बात हो गई तो मुरझाहट हुआ, दुख हो गया, मूड खराब हो गया, रोना आ गया, उदासी आ गई, क्यों हो? क्योंकि बाबा कहते सोचो ना मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, ये तो दुख की दुनिया है, थोड़ा बहुत आएगा, चलो खुशी खुशी से कर्मों का हिसाब किताब चुप तू करना है। तो हम घर जाएंगे फिर हम नई दुनिया में आएंगे, फिर मुजाहिश दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए दुख की लहर। हम आत्मा घर जाएंगे फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे, तो बच्चों को स्थाई खुशी क्यों नहीं रहती है, बाबा आज हम बच्चों से पूछ रहे हैं। बाबा को आश्चर्य लगता, तुम्हें इतनी प्राप्ति हो रही है, होने भी वाली है, अभी भी बहुत कुछ भंडारा बाबा ने भर दिया हमारा, कितना खजाना मिला, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, ज्ञान का खजाना, इतना मिलने वाला, फिर भी खुशी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती? माया का ऑपोजिशन बोलते हैं इसलिए खुशी कम हो जाती है। अब माया ऑपोजिशन करे तो क्या करो, बाबा कहते तुम अपनी पोजिशन में रहो, अपनी स्वस्थिति को हलचल में नहीं लाओ। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम सदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। कौन सा राजस्थान होगा? रूहानी राजस्थान, बाबा ने क्या नाम दिया, रूहानी राजस्थान। वहां भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, यहाँ अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियंस लोग हेविन का अर्थ नहीं समझते, वो मुक्ति धाम को हेविन कह देते हैं, वो समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, ऊपर है स्वर्ग, स्वर्ग तो इसी धरा पर होगा, यही भारत होगा, यही राजस्थान होगा, सब कुछ यही होगा, स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग तो इसी भूमि पर ही होगा, ऐसे नहीं। हेवनली गॉड फादर हेविन में रहते हैं, भले परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं लेकिन हेवनली गॉड फादर हेविन में रहते हैं क्या? हेवनली गॉड फादर उसको क्यों कहते? क्योंकि वो हेविन स्थापन करता है। पर बाबा कहते मैं हेविन में तो आता नहीं हूँ, आता हूँ। उस दिन भी बाबा ने कहा बच्चे तो मुझे स्वर्ग में तो बुलाते ही नहीं हो, तुम निमंत्रण मुझे कैसा देते हो, बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमें साफ करो सफाई करो, मुझे स्वर्ग में तो बुलाते ही नहीं हो कि बाबा आके हमारा स्वर्ग तो देखो, मैं तो आता ही नहीं हूँ। हेविन में नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वो तो परम धाम में शांति धाम में रहते। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए,
ये फर्क बताना है, ठीक है? क्या फर्क बताओ? पैराडाइज हेविन अलग है और शांति धाम परम धाम अलग है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, ना कि हेविन में रहने वाला। हेविन नई दुनिया को कहा जाता है। नई दुनिया में तो बाबा आते ही नहीं, वहां तो क्रिश्चियंस भी नहीं होते। कहाँ? नई दुनिया में तो क्रिश्चियंस भी नहीं होंगे। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेविन समझते हैं, स्वर्ग ऊपर है। तो ये सब समझने की बातें हैं। हेविन अलग है और मुक्ति धाम शांति धाम अलग है, ये भी समझाना है। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहते हैं ना, भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों ही नहीं हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि ही याद पड़ते। मरने वाले को कौन याद पड़ेगा? परिचय होगा परमात्मा का तो उसे याद करेंगे ना। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो धन सिमरे पुत्र सिमरे, एक गीत बना हुआ है, कोई ना कोई जरूर याद रहता है। तो गीत क्यों बना है? कि अंत समय किसी को याद नहीं करो। तो अंतकाल स्त्री सिमरे भूत वो धन सिमरे पुत्र सिमरे, तो वैश्या की योनि मिलेगी, भूत योनि मिलेगी, सुअर की योनि मिलेगी, ऐसा ऐसा एक भक्ति का गीत बना हुआ है कि अंतकाल में एक को ही याद करो, कोई धन दौलत को याद नहीं करो, कोई मित्र संबंधियों को याद नहीं करो, क्योंकि कहा जाता अंत मते सोगते। तो बाबा यही बता रहे हैं, अंत में कोई याद ना आए। सतयुग में मोह जीत रहते हैं, वहां जानते हैं कि एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। सतयुग में तो याद नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में होंगे तो याद ही नहीं करेंगे। यहां दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए बाबा कहते ना, तुम जाते हो मुझे भूल ही जाते हो, वहां सब कुछ मिला हुआ है तो भगवान को याद ही नहीं करते। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है, पूछते हैं ना ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो बोलो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। सभी अपने बाप को जानते ना घर को जानते हैं, तो उनको उनके पिता का परिचय देकर आस्तिक बनाना, ये हमारा लक्ष्य है, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला तो बाप ही है। जब धन के बनेंगे तो सुख शांति का वर्षा अपने आप ही मिल जाएगा। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हो? भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, ठीक है? 100 साल की आयु तो शास्त्रों में भी, द्वापर में भी हमने पढ़ा ना, शास्त्रों में भी लिखा है। और 100 साल के हिसाब से ही वो 4 आश्रम बनाए हमारे ऋषि मुनियों ने, 1 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। 100 साल तो तब भी थे, उससे पहले कितनी आयु थी? 150 साल की आयु थी। तो बाबा कहते आयु सतयुग में बड़ी थी, अब छोटी है। छोटी क्यों हुई? छोटी क्यों हुई आयु, ये भी कोई नहीं जानते। क्यों हुई? भोगी बने ना, विकारी बने, तो ये भी तो हमने पढ़ा ना, योगियों की आयु बड़ी होती है, भोगियों की आयु। तो सतयुग त्रेता में पवित्रता थी, जैसे जैसे पतित बने विकारी बने तो आयु कम होती चली गई, ये भी कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया समझना और समझाना। सो भी नंबर वार, सब बच्चे एक जैसा नहीं समझते, एक जैसा नहीं समझाते। समझानी हरेक की अपनी अपनी है,
जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते हैं। नंबर वार है सब अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते, कैसा प्यार करो, ऊपर ऊपर का नहीं, दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना मैंने केवल मुरली सुनना नहीं, उसको उसका स्वरूप बनो, जो बाबा कहते हैं उसे प्रैक्टिकल में लाओ, इस फरमान का पालन करना है। वरदान है आज का, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, ना जिसको बहुत अच्छा ज्ञान होता है कहते बहुत सेंसिबल है, तो सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। एसेंस माना जो कुछ हमने ज्ञान सुना उसका स्वरूप बन जाए, तो सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। ना अपनापन हो ना कोई पुरानापन हो, हर सेकेंड हर संकल्प हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से, हर संकल्प हर बोल हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वा हो जाते हैं, मुरली में भी बाबा ने कहा ना देही अभिमानी, देह की विस्मृति हो जाए, तो देह की स्मृति सहित स्वा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। जो देह की स्मृति से स्वाहा हो जाते उनके वाइब्रेशन से वायुमंडल का परिवर्तन स्वतः ही सहज हो जाता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। क्या क्या बाबा से मिला है, मिला भी है मिलने वाला भी है मिल रहा है, ये स्मृति रखो तो परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।
मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव अपने वहां घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरु रखियन में, बैठे लिए वो इंतजार रखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जा, यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का।